अभी जो है सुबह सुबह प्रातःकाल की गुड मॉर्निंग सभी को। और हम अपने फार्म पे गौशाला जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपने मजदूरों के लिए थोड़े उनके बच्चों के लिए आम ले जा रहे हैं जो इस पेड़ से झड़े हैं, जिसे प्योर ठप्पा आम कहते हैं। और हाँ, सबको मिलना चाहिए, इसलिए हम उनको भी लेने जा रहे हैं। ये मैं अपने बगीचे वाले फार्म में जो सुबह आपसे जिक्र किया था, वहाँ पर गया था अपनी लेबरों को आम देने। और ये हमारे खेत से मक्का आई है, ये हमारी गाय का प्योर दूध है। आज लस्सी नहीं मिली क्योंकि उसके दही खराब हो गई थी, रात को लस्सी नहीं बनी। कद्दू नहीं लगा था, मैं पुराना कद्दू लिया है, हमने वहाँ बहुत सारे रखे हैं झोपड़ी में। और इसमें जो है तोड़ियाँ हैं, ताज़ी ताज़ी तोड़ियाँ अभी की तोड़ी हैं। और इसमें भिंडी भी है, ये मालन ने हमारी दी है, पता नहीं क्या क्या दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये जो है इसे हमारी क्षेत्रीय भाषा में निंगाल कहते हैं। तो ये निंगाल की कंडी है, और निंगाल मतलब निंगाल गाँव में होता है, हमारे उत्तराखंड में निंगाल होता है। और इससे कलम भी बनती थी पुराने ज़माने में, जब हम लोग स्टडी करते थे तो मैंने भी इसकी कलम से लिखा है। और इंक भी रेडीमेड बनती थी, जो एक दवात में होती थी, फिर उसमें डिप करके फिर लिखा जाता था। इसके कलम से बनती थी वो निकाल के, और शायद मेरे हस्बैंड ने भी लिखा होगा जो वहाँ से मुस्करा रहे हैं हौले हौले। ये कंडी मेरी परदादी जी के टाइम की है। तो पुराने ज़माने में परदादी जी इसी कंडी में खाना पैक करके परदादा जी और दादाजी को देती थी। तो इसमें एक खास बात है कि ये इसमें ढक्कन है एक, तो उस ढक्कन को ऐसे लगा दो तो खेत में इसे किसी भी कोने में रख दो, कोई डर नहीं होता कि इसमें कोई कीड़ा घुस जाएगा या कोई चीज़ उसे छुएगी। और ये कंडी मेरी सबसे छोटी दादी जी ने मेरे डैडी को दी थी, और अभी हम इसमें आम स्टोर करते हैं जो हमारे पेड़ से गिरते हैं। तो आपने हमारे पास एक ट्रेडिशनल बास्केट देखी होगी, स्टोरेज बास्केट, तो वो जो है वो निंगाल से बनती है, जिसका पेड़ ये है, यहाँ ये है, इससे बनती है। और कलम भी बनती है इससे, कलम मतलब पेन। ये है निंगाल का डोरा, इसे अनाज रखने के लिए यूज़ किया जाता है। हैप्पी रक्षाबंधन, हमने अभी ऑलमोस्ट रक्षाबंधन की प्रिपरेशन कर ली है, और मैं आपको थाल दिखाती हूँ, मैं थाल तैयार कर ली है ऑलमोस्ट। तो थाल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अभी इसमें हम बस मीठा रखने वाले हैं। तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा पिछले ब्लॉग से कि गीतू भी डाइट पे, मैं भी डाइट पे और बॉबी भी डाइट पे, तो मिठाई का डब्बा लाके कोई फ़ायदा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो रखा का रखा रह जाता है, कोई खाता तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्रूट काट रहे हैं, थोड़े बहुत पीसेस हैं तो ये ऐसे खाए जाएंगे। अगी तो कितनी सुंदर लग रही है आज, उसे मम्मी का सूट पहना है। और मैं, मेरे कपड़े आपने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिए होंगे, जैसे एक कार्टून कैरेक्टर के सेम कपड़े नहीं होते वैसे मेरे सेम कपड़े हैं। ऑल्सो हम आम इसलिए भी काट रहे हैं क्योंकि बॉबी का फेवरेट फ्रूट आम है, और सबसे पहले उसने आम ही खाया था, मतलब जब उसके दांत आए थे और वो खाने वाला बच्चा बन चुका था उस टाइम से सबसे पहले आम ही खाया था। तो आम जो है उसका फेवरेट फ्रूट है, इसलिए हम आम काट रहे हैं। नहीं तो हमारे पास आड़ू भी थे, और हमारे पास एक और चीज़ थी, चीकू या कुछ, बट वी प्रेफर्ड आम। तो ये है हमारी कम्प्लीट थाल, और ये है हमारा भाई बॉबी। बॉबी हमें आज क्या गिफ्ट देने वाला है? बियॉन्ड लिमिट्स। शुभ घड़ी शुभ दिन बार आज, शुभ घड़ी शुभ दिन बार आज, रखनी को त्योहार आज। ओ हो देवी भगवती देवतों, कुशल रख्या मेरा भेजी भूलूं। गश्त, बॉबी के बारे में दो शब्द बोलना। तो दो शब्द दो शब्द पागल लड़का और आज ये कितना स्मार्ट लग रहा है यार, मतलब इसका ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है विद टाइम, और इसके स्पेक्स भी इतने ज्यादा अच्छे, मतलब आगे देख। बॉबी, भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन की आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही हूँ मैं। यस क्या? तो बॉबी यहाँ बैठा है महाराज की तरह।
अरे आगे तो कर बॉबी पैसे क्या होता है प्रोसेस आगे इसके बाद भी होता है सीधा क्यों बोल रहा है हाथ इधर कर अक्षय कुमार है वो अरे क्या है अरे पैसे नहीं लेगी तो जागृति का आज चीट डे है तो कल हम लोग ने चीला खाया था और वो आज कल कुछ बच गया था उसका तो वो आज बना के खाने वाली है हाय हाय यहाँ पे चीला बनाने की तैयारी कर रही है हेलो नानी जी हेलो ये हमारी नानी जी हैं हाँ बेटा जी और आज हम कहाँ जा रहे हैं नानी जी आज हम पार्टी पार्टी खाने केरल प्रदेश में तो बेसिकली मम्मी की जो बुआ जी हैं उनका गृह प्रवेश है आज तो हम उस पार्टी में जा रहे हैं और यहाँ ये मैडम चीटे के नाम पे यहाँ पे लड्डू ठूस आई एम नॉट गोइंग टू ईट ऑल ऑफ दीस ओनली वन यू नो इसमें एक लड्डू में कितनी कैलोरीज होती हैं मत बोल यार अभी खाने दे अपने चीट डे का पूरा फ़ायदा उठा रही है और अभी से दूध की चाय भी मिल चुकी है और यहाँ तो देखो मतलब देर इज नो लिमिट खा खा डबल वर्कआउट होगा फिर वॉक भी देखे गए ये सब खा रही है Cheers. And now just look at her. What are you having, Josh? Tasty food. मम्मी कुछ खा रही है खा ले अच्छे से कल डबल एक्सरसाइज हो डाइट सैड सो टुडे इज 5th ऑगस्ट 2020 And it's a day of such a huge celebration for all of us because today Ram Mandir was inaugurated in Ayodhya by our respected Prime Minister, Mr. Narendra Damodar Das Modi.